हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फातिमास क्रिएशन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्विंग मशीन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जिन्हें मशीन के पार्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं रहती है। तो बेसिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। इस वीडियो में मैं पार्ट्स के साथ साथ कैसे ये फंक्शन करते हैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्विंग मशीन के फोर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फेस प्लेट, सेकेंड इज़ बॉडी पार्ट्स, थर्ड इज़ हैंडल पार्ट्स एंड फोर्थ वन इज़ इनर साइड ऑफ मशीन। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस प्लेट के बारे में। आप लोग देख सकते हैं ये फेस प्लेट स्क्रीन पर, मशीन में देखा होगा आप लोगों ने। इसको सबसे आगे होती है, चमकीली सी होती है फेस प्लेट, इसे फेस प्लेट कहा जाता है। फेस प्लेट में क्या क्या होता है और आगे के पोर्शन में क्या होता है वो सब हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस प्लेट। इसमें सबसे पहले आता है प्रेशर बार, जिस पर हम अपने प्रेशर फुट को लगाते हैं, उसे हम प्रेशर बार कहते हैं। जिसके वजह से हमारा कपड़ा दबा हुआ रहता है उसे हम प्रेशर बार कहते हैं। सेकंड इज प्रेशर बार स्क्रू, प्रेशर बार जिससे हम टाइट करते हैं उसको हम प्रेशर बार स्क्रू कहते हैं। वो स्क्रू जिससे प्रेशर बार हमारा, जिस पर हम हमारा प्रेशर फुट को लगाते हैं उसको टाइट करते हैं। थर्ड वन इज फेस प्लेट स्क्रू। फेस प्लेट स्क्रू वो होता है जो फेस प्लेट, जो चमकीली प्लेट होती है वो लगी हुई होती है, उसे बोलते हैं फेस प्लेट स्क्रू। नेक्स्ट वन इज प्रेशर फुट। प्रेशर फुट वो होता है जिससे हम हमारे कपड़े को दबाते हैं, उसे हम प्रेशर फुट कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर फुट स्क्रू। अब प्रेशर फुट स्क्रू क्या होता है? वो होता है जो प्रेशर फुट है वो उसको दबा के रखता है, उससे स्क्रू को हम प्रेशर फुट स्क्रू कहते हैं। प्रेशर फुट बार लिफ्टर, इसको हम घोड़ा भी बोलते हैं। प्रेशर फुट बार लिफ्टर को, ये वो होता है जिससे हमारा प्रेशर फुट जो है लिफ्ट किया जाता है, लगा हुआ होता है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज निडल बार। निडल बार वो होता है जिसके अंदर हम हमारी निडल को इंसर्ट करते हैं। निडल का तो आप लोग को पता ही होगा, निडल सुई को कहते हैं। क्लैंप स्क्रू, जिससे हमारी निडल बार जो होती है वो टाइट की जाती है कि निडल कितनी नीची है, कितनी ऊपर है, कितनी ढीली रखनी है, कितनी टाइट रखनी है निडल उस स्क्रू को। अब टेकअप लेवर क्या होता है? टेकअप लेवर वो होता है जो नथ टाइप में बना हुआ होता है, जिससे हम ऊपर से डालते हैं उसे टेकअप लेवर कहते हैं, जिससे हमारे थ्रेड में कितनी टेंशन देनी है, कितना ढीला रखना है, कितना टाइट रखना है ये पता चलता है। टेंशन डिवाइस, अब थ्रेड टेंशन डिवाइस क्या होता है? जो नीचे राउंड बना होता है टेकअप लेवर के बाद लेकर जाते हैं उसको हम थ्रेड टेंशन डिवाइस कहते हैं। अब टेंशन स्प्रिंग एंड नट्स क्या होता है? ये वो होता है जो दो प्लेट्स के बीच में जो स्प्रिंग्स लगी होती है उन्हें कहा जाता है। अब थ्रेड गाइड, थ्रेड गाइड वो होता है जो जिसको हम उसमें डालने के बाद नीचे एक राउंड बना होता है नथ के नीचे, जिससे हम अपने थ्रेड को गाइडेंस देते हैं कि अब वे नीचे जाकर सुई में लगेगा। टेंशन स्टड, अब टेंशन स्टड क्या होता है? टेंशन स्टड वो होता है जो हमारा उसके ऊपर ही, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने हमारे धागे की कितनी टेंशन रखनी है, कितना उसको ढीला रखना है, कितना टाइट रखना है। अब आएगा निडल प्लेट। निडल प्लेट वो होती है जहाँ पर हमारे होल्स होते हैं कि अंदर निडल जाएगी, और दूसरा बना होता है जहाँ पर कढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट वो होती है जिसको हम आराम से साइड कर देते हैं और नीचे हम बॉबिन लगाते हैं, उसे स्लाइड प्लेट कहते हैं। अब फीड डॉग, फीड डॉग क्या होता है? फीड डॉग वो होता है जो हमारे दांते होते हैं, जिससे कपड़ा आगे पीछे की तरफ जाता है उसको हम फीड डॉग कहते हैं। तो ये जो हमारे
सारे के सारे थे, ये हमारे वो पार्ट्स हैं जो हमारे फेस प्लेट में लगे हुए होते हैं हमारी मशीन के अंदर। हमारा बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट बीच का जो हिस्सा होता है जिसकी कंप्लीट बॉडी होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बॉबिन वाइंडर, लंबा सा होता है जिससे हम हमारी बॉबिन को चढ़ाते हैं ताकि बॉबिन के अंदर धागा भर सके जिसमें लगा के। नेक्स्ट है हमारा वाइंडर रबर। अब वाइंडर रबर क्या होता है, जब हम बॉबिन को लगाते हैं बॉबिन वाइंडर के अंदर तो वो राउंड राउंड घूमता है, तो उसके ऊपर जो रबर चढ़ी हुई होती है उसे बोलते हैं वाइंडर रबर। अब नेक्स्ट इज स्टिच रेगुलेटर स्क्रू क्या होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि स्टिच को जो बखिया होती है हमारी उसे कितना बड़ा या छोटा करना है। अब नेक्स्ट इज स्पूल पिन। अब स्पूल पिन क्या होता है, जिस पर हम थ्रेड्स को लगाते हैं उसे स्पूल पिन कहते हैं। अब लास्ट वन इज फ्रेम ऑफ द बॉडी। फ्रेम ऑफ द बॉडी क्या होता है, जिसमें ये सारे के सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में, उसको हम फ्रेम ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जो है बॉडी पार्ट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का, स्विंग मशीन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस का। बाकी और दो रिमेनिंग पार्ट्स के लिए आप हमारी सेकंड वीडियो में बने रहिए। और आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।